क्या आपने कभी लिक्विड सोप कपड़े धोने का शैम्पू घर में बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखो कितना अच्छा लिक्विड सोप बनाया है, देखिए। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको लिक्विड सोप बनाना बताऊंगी। लिक्विड सोप के लिए आपको चाहिए, मैं 10 किलो बना रही हूँ, तो सबसे पहले 10 किलो पानी, 10 लीटर पानी एक बाल्टी में नाप लें, तोल लें, और आधा किलो कास्टिक सोडा और आधा किलो यूरिया, ये वही यूरिया है जो खेतों में डलता है, पेड़ पौधों के लिए डलता है, वही यूरिया है ये। तो आधा किलो कास्टिक सोडा, आधा किलो यूरिया और एक किलो एसिड सेलेरी, इसमें सेलेरी है, ये मैं आपको बर्तन में नहीं रख सकती हूँ, इसको ऐसे अंदर से दिखा देती हूँ, एसिड सेलेरी है ये, ये एक किलो डालूंगी मैं, इससे झाग होता है। और एक तोलने के लिए तराजू, तो अब हम सबसे पहले एसिड सेलेरी डालेंगे एक किलो, तो इसको तोल लेंगे। ये हमने पूरी पीपी का धरा कर लिया है, पूरी को तोल लिया है, अब इसमें से हम एक किलो का बांट निकाल देंगे और पानी में डालेंगे। तोल के देखेंगे, हमारी एक किलो पूरी चली गई है, एक किलो एसिड सेलेरी पूरी हमने डाल दी है। अब इसको हम देंगे और इसको एक लकड़ी की सहायता से घोल लेंगे। सेलेरी हमारी घुल गई है, एसिड सेलेरी को हमने अच्छी तरह घोल लिया है। अब हम इसमें कास्टिक सोडा डालेंगे, आधा किलो कास्टिक सोडा डालेंगे, ये आधा किलो हमने तोल लिया है, ये आधा किलो कास्टिक सोडा है, इसको हम इसमें डालेंगे। कास्टिक सोडा के हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत तेज होता है, इसलिए हमने कोई बर्तन में भी नहीं रखा, सिर्फ थैली में ही रखा है। अभी कास्टिक सोडा हमारा घोल लेंगे अच्छी तरह, इसमें सल्ट की धांस आती है, तो आप मुंह पे कपड़ा भी बांध सकते हो। अब इसमें हम यूरिया डालेंगे, ये हमारा आधा किलो यूरिया है, तोल लिया है हमने, अब इसको हम इसमें डालेंगे। केमिकल को किसी को भी हाथ से नहीं छूना चाहिए, और इसको हम पूरे को डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह घोल लेंगे। हमारा लिक्विड सोप बनने को तैयार है, अभी हम इसको थोड़ा और घोलेंगे, अभी थोड़ा इसमें लम्स है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह कम से कम 10 मिनट घोलेंगे और हमारा लिक्विड सूप बनके तैयार हो जाएगा। ये लिक्विड सूप डेली के कपड़े धोने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और सर्फ से बहुत सस्ता पड़ता है,
ये एसिड सैलरी हमारी करीब 80 रुपए किलो आती है और कास्टिक सोडा 50 रुपए किलो आता है और यूरिया 20 रुपए किलो आता है, तो ये हमारे 5-7 रुपए किलो पड़ता है। और इसमें जरा सा एक कपड़े के लिए एक ढक्कन बहुत है, इसलिए ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। और ये केमिकल की दुकान पे कहीं भी पर भी मिल जाती हैं ये चीज़ें, और आप एक बार जरूर बना के देखें, बहुत ही बढ़िया कपड़ों के रहता है, कपड़े खराब नहीं होते हैं। बाजार के सर्फ में तो डायरेक्ट कास्टिक सोडा आता है, इसलिए कपड़े खराब हो जाते हैं, इससे कलर वलर बिल्कुल नहीं उड़ता है और बहुत ही अच्छा रहता है ये, आप एक बार जरूर बनाएं। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको नहाने वाला शैम्पू और बाल धोने वाला शैम्पू बनाना सिखाऊंगी, हर्बल एकदम आंवले से काकाई रीठा का हर्बल शैम्पू बनाना बताऊंगी, और नहाने का हाथ पैर धोने का मतलब साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहाने का शैम्पू भी बनाना आपको सिखाऊंगी, उससे बिल्कुल आपका शरीर एकदम नरम रहेगा और बाल एकदम काले घने लंबे हो जाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल सके जल्दी। तो देखो हमारा लिक्विड सोप तैयार है, अब मैं इसको आपको पानी में घोल के दिखाती हूँ। देखिए मैं आप इसको पानी में घोल के दिखाती हूँ, मैं जरा सा 2-4 बूंद इसमें टपकाऊंगी। देखो देखो इसका झाग बहुत ही उमदा किस्म का बनता है ये, देखिए बहुत ही बढ़िया बनता है, एक बार जरूर बनाएं।